हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, दिस इज सचिन एंड यू आर वॉचिंग सेज। हमने इसके पार्ट वन इंट्रोडक्शन में डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ कंसेप्ट की बात की थी। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। उसी कंसेप्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट आपको दिए हैं, एक को हम पी मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। इसको हमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। x1, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स जो गिवन होते हैं पॉइंट्स में, वो जैसे p का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, q का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, तो ये हम वैल्यू रखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। जैसे x2 क्या होगा 36, x1 क्या होगा 0, y2 क्या होगा 15, y1 क्या होगा 0। 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करोगे आपका आएगा 1521, और 1521 किसका अंडर रूट होता है 39। अब 39 का स्क्वायर और 1521 कैसे निकला आप देखो, इसी में ही आप उसके फैक्टर्स निकालोगे 1521 के, 1521 के फैक्टर्स निकालोगे तो 3 5 15 एंड 3 7 21, अगेन 3 से डिविजन हो रहा है तो 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो 3 आपका कॉमन बाहर आएगा तो 13 × 3 विल बी इक्वल टू 39। आपको पेयर बनाना होता है, पेयर बाहर आता है, दिस विल बी 39। सो ये आपका आगे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू 39। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आपको डिटरमाइन करना है वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब, अभी कोलिनियर का मतलब समझना है, ये आपका यहाँ पे भी आया है और एक्सरसाइज 7.3 में भी आएगा, ठीक है। 7.3 में जो आएगा वो ट्राइंगल के कंसेप्ट पे आएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी जो आ रहा है वो आपका पॉइंट्स के कंसेप्ट में आ रहा है कि ये गिवन पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। जैसे आपको अगर हम डिस्कस करेंगे, तीन पॉइंट है ए बी एंड सी, ये एक लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो ए बी जितनी ए बी की डिस्टेंस है प्लस जितनी बी सी की डिस्टेंस है वो टोटल ए सी के बराबर आएगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। कैसे सेटिस्फाई होगी, आप ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, हम बी सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ए सी के डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और दोनों को ऐड करेंगे ए बी और बी सी को, और वो ए सी के बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाला, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2.3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11, x1 y1, x2 y2, पुट किया आपका आंसर आएगा √5। सिमिलरली bc के में निकाला, हमारा आंसर आया 2√53। फिर हमने a और c, ac के बीच में डिस्टेंस निकाला, तो x1 y1 x2 y2 हम ये लेंगे, उसका आंसर आएगा √265। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2√53 एंड √5 मिला के 265 नहीं आएगा। That means AB plus BC is unequal to AC. इसका मतलब कि the given points are not collinear. Now question number 4. Check for the isosceles triangle A, B and C. तीन points दिए हैं। अब ये points isosceles triangle के coordinates हो सकते हैं या नहीं, ये हमें check करना है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि isosceles triangle की property क्या होती है। आई थिंक यू ऑल नो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब दो साइड मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो हम अगर एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इस तो ये ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी बी सी और ए सी। देखो ए बी बी सी ए सी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सो यूजिंग हम इसमें क्या यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने तीनों की डिस्टेंस निकाल ली, ए बी बी सी एंड ए सी। अब आप देखो, ए बी हमारा आ रहा है √37,
बीसी हमारा आ रहा है रूट 37, बट एसी हमारा आ रहा है 2. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी. हमारी दो साइड्स इक्वल है, और दो साइड्स इक्वल मतलब कि दिस इज दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस. दो पॉइंट्स आपको गिवन है और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे. अब ध्यान रहे, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा. अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा. ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वैसी बेसिक चीजें हैं. तो आपको गिवन है लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी, हम एक्स कॉमा जीरो ले लेंगे. अब आपके हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट इससे दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे. इसका मतलब कि पी पॉइंट ए से और पी पॉइंट बी की डिस्टेंस दोनों इक्वल है. पी की डिस्टेंस ए से और पी की डिस्टेंस बी, दोनों क्या डिस्टेंस इक्वल है. तो हम इसको रख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी बी. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों साइड पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो, ए के कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस फाइव. सिमिलरली पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो एंड बी के कोऑर्डिनेट माइनस टू कॉमा नाइन. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट किया. जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कट जाएगा. हमारा क्या बचेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर. मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन ना करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी है. तो ये पूरा पार्ट ए, ये पूरा पार्ट बी. आप इसे ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हो. सो यहां से इसको सॉल्व करना तो 2x, ये आपका आया 56, तो x आ गया हमारा माइनस 7. सो द पॉइंट, अब x की वैल्यू माइनस 7 आ गई, इसका मतलब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस 7 कॉमा 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द y. आपका p एंड q दो पॉइंट्स गिवन है जिसके बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट है. अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में आपको इक्विडिस्टेंस बोला था तो आपने इक्वेट किया था. यहां पे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस गिवन है, बस कोऑर्डिनेट निकालना है. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे PQ के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे और ये डिस्टेंस कितनी है 10, ये आपको गिवन है. तो आंसर आपको गिवन है, हम इक्वेट करते जाएंगे. यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया. अब देखो अगेन यहां पे मैंने वही चीज करी है, 64 यहां जाएगा, 100 माइनस 64 36, 36 को हम इधर लाएंगे तो माइनस 36, और माइनस 36 कितना होता है 6 का स्क्वायर. अब यहां पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट किया है. थोड़ा सा मैं इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अलग अलग तरीकों से भी हो सकती है. आप सिंपल ए प्लस बी का स्क्वायर सॉल्व कर लो, नॉर्मल भी वही आएगा आंसर. मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी सॉल्व हो गया वाई प्लस नाइन, वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो वाई माइनस नाइन और y 3. अब देखो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं डिस्टेंस, इसका मतलब y is equals to 3 is the answer. यानी कि यहाँ पे y कितना आएगा, coordinate of q that is 3, right? Question number 9, आप में QP and QR given है. वहीं पे सेम क्वेश्चन इसमें भी है, Q के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, R भी गिवन है. हमने क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा करने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है. चेंज क्या किया है, जैसे QP इक्वल्स टू QR है, हम उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला रखते हैं फिर स्क्वायरिंग करते हैं. मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग दिखा दिया, उससे क्या होगा अंडर रूट जो डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है वो नहीं आएगा. हम सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पे दोनों को इक्वेट करा, x की वैल्यू निकाल ली. x की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में तीन डिफरेंट पार्ट करने हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको QR फाइंड करना है, फिर PR फाइंड करना है. तो x की वैल्यू निकालने के बाद हम x की वैल्यू QR वाले डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और PR वाले में भी पुट कर देंगे. मतलब मेन इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है. पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड x, तो आप x फाइंड करोगे दोनों को इक्वेट करके, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, एक x आ गया एक बार, अगर आपका ये x एक बार आ गया, इसके बाद आप QR भी निकाल सकते हो और PR भी निकाल सकते हो. तो QR रूट 41 एंड PR रूट 162, आप उसको फैक्टर्स करके जो कॉमन निकालोगे तो 9√2 आएगा, दैट इज द आंसर. ओके, थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस. इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अलविदा.